कि उनके माता पिता का जब 90 से लेकर के 2005 तक शासनकाल था, उन चीजों को आज तक लोगों ने भूला नहीं है। आज भी उनको आज जब याद आता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना पूरा नहीं हुआ। 24 में लोकसभा का पूरी तरह से जो ऐसे जीतने की बात कर रहे थे और 4 सीटों पर ही आकर करके अटक गए। रावड़ी के शासनकाल में बिहार की दुर्दशा हुई थी, बिहार के लोग पलायन कर रहे थे, बिहार में किसी को भी जो ऐसे जीवन सुरक्षित नहीं था उस समय, अपराधियों का बोलबाला था। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकाले थे, अब जो है विधानसभा 2025 से पहले धन्यवाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। 15 तारीख के बाद जो है वो ये यात्रा में शामिल होंगे। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी है बीजेपी प्रवक्ता, क्या कहिएगा फिर से यात्रा पर जा रहे तेजस्वी यादव? कोई फायदा नहीं है, जनविश्वास यात्रा से तो जनता का विश्वास ले नहीं सके, अब धन्यवाद किस बात का? जनता तो उनके पूछने के लिए तैयार है कि भाई आपने जो जो वायदे किए थे उन वायदों का क्या हुआ, आपने सब्ज बाग दिखाए थे, जनता का विश्वास और भरोसा तो उनके ऊपर न था न है न आगे होने वाला है। लाख कोशिश कर ले, लाख घूम ले, लाख यात्रा कर लेंगे, कोई फायदा नहीं। 20 में भी उनको इसी प्रकार से सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना पूरा नहीं हुआ। 24 में लोकसभा का पूरी तरह से जो ऐसे जीतने की बात कर रहे थे और 4 सीटों पर ही आकर करके अटक गए, कोई फायदा नहीं हुआ। एनडीए के ऊपर पूरी जनता का विश्वास और भरोसा है, वो भरोसा कायम है और आगे भी कायम रहेगा। उनके ऊपर कभी भरोसा न था न है न होगा, इसलिए कि उनके माता पिता का जब 90 से लेकर के 2005 तक शासनकाल था, उन चीजों को आज तक लोगों ने भूला नहीं है। आज भी उनको आज जब याद आता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या स्थिति थी उस समय, क्या परिस्थितियां थी, लोग उन परिस्थितियों को जो है से झेले हैं, उसको फिर दोबारा इस राज्य में लाने देना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव को कभी अगर उस प्रकार का अगर साथ और समर्थन मिला तो फिर वही स्थिति आएगा, इसलिए जनता कभी उनके साथ खड़ी न हुई है न होगी। इसलिए लाख यात्रा कर ले, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी विधायक को जो है वो टारगेट दिए हैं कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए। क्या होगा जो ऐसे कोई जो ऐसे टारगेट दे दे, भीड़ जुटा ले, लेकिन भीड़ से वोट में तब्दील नहीं होगा। उनकी बड़ी बड़ी मीटिंगें तो होती थी लोकसभा चुनाव में, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी बड़ी संख्या में सभाएं किए, लेकिन वो वोट में नहीं परिवर्तित हो सका। वोट तो मिला नहीं, वोट तो ज्यों का त्यों रह गया। एनडीए के ऊपर भरोसा था, विश्वास था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर लोगों को था, इसलिए लोगों ने जो है से उसी पर किया। और बिहार की जनता खास करके बहुत ही बेहतर तरीके से जानती है कि लालू रावड़ी के शासनकाल में बिहार की दुर्दशा हुई थी, बिहार के लोग पलायन कर रहे थे, बिहार में किसी को भी जो ऐसे जीवन सुरक्षित नहीं था उस समय, अपराधियों का बोलबाला था, कोई विकास का काम नहीं था। और जब तेजस्वी भी जब बड़े हुए तो ये भी जो ऐसे बिना कोई रोजगार व्यापार नौकरी काम किए और पिता के गलत कार्यों के माध्यम से पैसे का अपने ऊपर और अपने संपत्ति बनाने का काम किए, तो उसका हिसाब तो जो ऐसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वो तो सब उनके जो कार्रवाई किया है, सब उनके संपत्तियों को जब्त करने का काम किया है, सब जो ऐसे तो उसका हिसाब तो दे नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं उस पर। तो जनता तो वही जानना चाहती है कि आप जरा बताइए कि आप कहां से पैसा लाए। लैंड फॉर जॉब, रेलवे में नौकरी देने के नाम पर पैसे लिए गए और वो सारे पैसे, सारे जमीन, सारे संपत्ति तेजस्वी के नाम से, उनके परिवार के नाम से हुआ, तो जरा इसका जवाब दे कि कैसे और क्यों लोगों के भविष्य के साथ, खास करके युवाओं के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। लोग घर बेच कर करके संपत्ति जमीन दे कर करके आपसे नौकरी लिए, वो भी बिना वैकेंसी निकाले। आज जिसका जांच हुआ और जांच में जो है से आपकी संपत्ति को जब्त किया गया, लालू पर कार्रवाई, आपके ऊपर कार्रवाई, सब चल रहा है, अभी न्यायालय में मामला है, आप पर जो है से चार्जशीट हुआ है, तो आप जरा इसका जवाब दीजिए, बताइए। तो आपको जब भी मौका मिलेगा आप वही काम करेंगे, अपने आदतों में कभी सुधार नहीं करेंगे। आदत केवल आपकी बनी हुई है संपत्ति बनाने का और संपत्ति छुपाने का, अपने परिवार के नाम करने का,
इसलिए जनता आपके ऊपर कभी भरोसा न की है न आगे करने वाली। वो कह रहे हैं कि जब जब एनडीए की सरकार थे, पुल गिरने का मामला हो या फिर जब क्वेश्चन लीक होने का मामला हो, एनडीए के ही राज्य में होती है। एनडीए की सरकार काम करती है, काम करने में हो सकता है कुछ गलतियां होती होगी या कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और पर्दे के पीछे से तो मैं कह सकता हूं कि राजद मानसिकता के ही लोग हैं जो इस सरकार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे पेपर लीक का मामला हो, जिसका पूरा जो है से सरगना और उसके कारनामे ये सब सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का पीए जिसने कमरा बुक कराया एनएचआई का, और जिसके नाम से कमरा बनाया करवाया बुक, जो वहां ठहरा वही मास्टरमाइंड निकला। तो ये कारनामे करने वाले कौन लोग हैं, पर्दे के पीछे से उनको सह देने वाले कौन है, इस प्रकार का कुकृत कराने वाले कौन लोग हैं, सब जो है से पकड़े जा रहे हैं, और पकड़ करके दोषियों पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। पुल का जहां तक मामला है, कोई दोषी व्यक्ति है, मैं तो कहूंगा कि वो पुल का टेंडर भी तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे उस समय हुआ था, और पुल का टेंडर उन्होंने पैसे लेकर करके देने का काम किया था, जिसके कारण आज वह पुल ध्वस्त हो रहा है। लेकिन फिर भी वैसे इंजीनियर के ऊपर, ऐसे संवेदक के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, सस्पेंड भी हुए हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। चलिए, तो सस्पेंड भी हैं, हुए हैं और उन पे एफआईआर भी हुआ है, आगे भी उन पे कार्रवाई होगी। जिस तरह से पेपर लीक का मामला है, उन्होंने खुलकर बोला कि देखिए राजद के ही, जिस तरह से तेजस्वी के पीएस का नाम आ रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहे कि कमरा बुक कराने का काम भी जो है उन्हीं लोगों ने कहा है, राजद मानसिकता के लोग जो है ये ऐसी बदनाम एनडीए की सरकार करने की चाह रहे हैं। फिलहाल इसमें आगे प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।